पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुरादाबाद की नगर विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा केवल विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे पे 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी तो विकास के मुद्दे पे कानून व्यवस्था पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और जीते थे। सरकार बनने के बाद सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, इस सब पे सरकार ने काम किया। वही अपने काम लेके हम जनता के बीच में आए हैं और बहुत अच्छा जनता का रिस्पांस मिल रहा है। पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी। किंतु कॉम्पिटिटर मानते हैं आप? कोई कॉम्पिटिशन में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता की लहर चल रही है। आप पूर्व में भी विधायक रहे हैं, क्या मानते हैं जो अधूरे काम कुछ रह गए हैं उनको? विकास का बहुत काम मुरादाबाद में किया गया है, चाहे आरओबी का काम हो, चाहे एफओबी का काम हो, चाहे सड़क बनाने का काम हो, लेकिन फिर भी यदि कोई काम अधूरा रह गया तो उसको पूरा करें। यूनिवर्सिटी की मांग काफी समय से चल रही है, आपने भी वादा किया था। लगातार प्रयास किया, जैसे आप लोग भी खुद जानते हैं कि यूनिवर्सिटी है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, लगातार मैंने मांग की है, लेकिन कुछ कारणों से वो भी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन शीघ्र पूरी हो जाएगी। क्षेत्रीय मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करें, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।